हेलो दोस्तों, हमारे सामने है चार चूड़ी वाली ऑडी की Q3 जिसका वेरिएंट है टॉप एंड। ये दोस्तों सभी की ड्रीम कार होती है, पर्सनली बताऊं तो मेरी भी है। और आप इस ड्रीम कार को दोस्तों अपना बना सकते हो, जो कि मैं वीडियो में बताऊंगा। बहुत ही कम प्राइस के साथ ये कार सेल हो रही है। तो दोस्तों इस कार का एक एक्सपीरियंस आपके साथ शेयर करता हूँ। पहले आप इसका एक वॉक राउंड के तरीके से देख लीजिए इस कार को, फिर बाद में वीडियो के लास्ट में आपको बताते हैं इस कार का प्राइस। तो दोस्तों फ्रंट से कार कुछ ऐसी दिखती है। यहाँ पर इस कार की पूरी ग्रिल आपको क्रोम के साथ देखने को मिलेगी। सेंटर में आपको ऑडी का लोगो देखने को मिलता है। वहीं पे आपको दोस्तों एक छोटी सी क्वार्टो की बैजिंग भी देखने को मिलती है। और इसके हेडलैम्प्स की बात करें तो आपको प्रोजेक्टर LED के साथ देखने को मिलते हैं। वहीं टर्न इंडिकेटर आपको सिर्फ हैलोजन देखने को मिलेंगे। वहीं अगर बात करें तो इसके साथ आपको आईब्रोज वाली DRS देखने को मिलती है। वहीं पे आपको इसके दोस्तों हेडलैम्प्स के आपको वॉशर भी देखने को मिलते हैं, जिसके लिए आपको इन्हें साफ करने के लिए कार से नीचे नहीं उतरना पड़ेगा, आप अंदर ही बैठ के इन्हें साफ भी कर सकते हो। अगर नीचे अगर नज़र डालते हो तो आपको दोस्तों फॉग लैंप्स आपको दोनों ही तरफ देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ दोस्तों फ्रंट में आपको चार पार्किंग सेंसर्स भी देखने को मिलते हैं, जो कि यहाँ पर हैं। तो दोस्तों ये हो गया आगे का। तो दोस्तों अब कार की अगर साइड लुक की बात करें तो साइड से कार कुछ ऐसी दिखती है। और इसकी टायर प्रोफाइल की बात करें तो दोस्तों इस कार में आपको 17 इंच के अलॉय व्हील्स देखने को मिल जाते हैं। सेंटर में आपको ऑडी का फिर से लोगो देखने को मिलता है। यहीं पर दोस्तों आपके इसके ORBM पूरे ही बॉडी कलर में देखने को मिलते हैं। वहीं टर्न इंडिकेटर्स भी इसके साथ देखने को मिल जाएंगे। इसके डोर हैंडल्स भी आपको बॉडी कलर ही देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको पूरा ही क्रोम देखने को मिलता है। और ऊपर दोस्तों आपको रूफ रेल्स भी क्रोम के साथ देखने को मिल जाती हैं। अगर पीछे से बात करें तो दोस्तों कार कुछ ऐसी दिखती है, जहाँ पे आपको नीचे चार पार्किंग सेंसर्स देखने को मिल जाते हैं। उसी के साथ दोस्तों दोनों ही तरफ बैक लाइट के इंडिकेटर्स भी आपको देखने को मिलते हैं। अगर टेल लैंप्स की बात करें तो वो आपको LED के साथ देखने को मिलती हैं। यहाँ पे आपको फिर से ऑडी का एक लोगो देखने को मिल जाएगा। यहाँ पे Q3 की बैजिंग, यहाँ पर दोस्तों 35 TDI क्वाट्रो का फिर से बैजिंग देखने को मिल जाती है। यहाँ पर दोस्तों आपको पीछे वाली विंडशील्ड पर डिफॉगर के साथ में वाइपर भी देखने को मिल जाता है। तो चलिए दोस्तों अब कार का इंटीरियर आपको दिखा देता हूँ। तो दोस्तों ऐसा दिखता है कार का कुछ फ्रंट डोर, जहाँ पे आपको पूरे ही क्रोम के साथ और वुडन फिनिश देखने को मिलती है। यहाँ पे आपको लॉक और अनलॉक के डोर्स के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों चारों ही पावर विंडोज के कंट्रोल देखने को मिल जाएंगे, साथ ही ORBM के कंट्रोल भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर साथ ही कुछ स्टोरेज देखने को मिल जाएगी, साथ ही आपको डोर्स पर एक स्टॉप लैंप भी देखने को मिल जाएगा। अब दोस्तों कार को मैं आपको अंदर से दिखाता हूँ। और यहीं दोस्तों अगर कार की सीट्स की बात करें तो वो आपको पूरी ही इलेक्ट्रिक सीट्स देखने को मिलती हैं, जिन्हें आप यहीं से सेट भी कर सकते हो। तो दोस्तों ऐसी दिखती है कार की चाबी, जो कि फ्लिप की है। यहीं आपको लॉक और अनलॉक के बटन देखने को मिल जाते हैं। अगर इसे प्रेस करते हो तो इसका बूट भी ओपन हो जाता है। तो दोस्तों ऐसा दिखता है कार का स्टेयरिंग व्हील, जहाँ पे आपको ऑडी की बैजिंग देखने को मिल जाएगी। साथ ही आपको दोस्तों ऑडियो के कुछ कंट्रोल्स भी देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको इसके हेडलैम्प्स के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। इधर आपको वाइपर के ये कंट्रोल्स देखने को मिल जाएंगे। और ये आपको दोस्तों क्रूज कंट्रोल्स यहाँ पर देखने को मिलते हैं। अब दोस्तों कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर आपको दिखाऊं मैं, तो कुछ ऐसा दिखता है कार का इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर, जहाँ पे आपको छोटी सी सेंटर में MID भी देखने को मिल जाती है। इधर दोस्तों आपको 260 की मार्किंग देखने को मिलती है। और यहाँ पर दोस्तों आपको 6000 तक की RPM मार्किंग देखने को मिल जाएगी। तो दोस्तों छोटी सी MID में आपको काफ़ी इन्फॉर्मेशन देखने को मिलती हैं, जैसे आप अपनी कार की रियल टाइम माइलेज देख सकते हो, डिजिटल स्पीड भी देख सकते हो। बहुत सी इन्फॉर्मेशन आपको इसमें देखने को मिल जाती है, इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर में। तो इसे दोस्तों बंद कर देते हैं। अब यहीं दोस्तों इस कार के AC वेंट्स आपको पूरे ही क्रोम के साथ देखने को मिलते हैं। अब इसके इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर की बात करें तो लगभग आपको 5 इंची का देखने को मिल जाता है। यहाँ पर आपको दोस्तों सभी ऑडियो के कंट्रोल से आपको देखने को मिल जाते हैं। यहाँ पे आपको दोस्तों इसके AC के कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं। और ये कार दोस्तों आपको ऑटोमेटिक ट्रांसमिशन के साथ देखने को मिलती है। इस वाले वेरियंट में दोस्तों आपको इलेक्ट्रिक पार्किंग देखने को मिलती है। एक 12 वोल्ट का सॉकेट यहाँ पर देखने को मिलता है, 2 कप होल्डर्स देखने को मिल जाते हैं दोस्तों, और एक आर्मरेस्ट भी देखने को मिलता है, जिसमें दोस्तों आपको काफ़ी स्टोरेज भी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों अगर इसके ग्लोव बॉक्स की बात करें तो आपको अच्छी खासी स्टोरेज भी देखने को मिलती है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ बूडन फ्रेश भी आपको यहाँ पर देखने को मिलेगी। दोस्तों इस कार में आपको टोटल 6 एयरबैग देखने को मिलते हैं। दोस्तों मैं आपको एक चीज़ बताना भूल गया कि आप इसके स्टेयरिंग व्हील को अपने कम्फर्ट के हिसाब से एडजस्ट भी कर सकते हो। और दोस्तों इस कार में एक आपको बहुत अच्छा फीचर दिखाना चाहूँगा, वो है दोस्तों इसमें आपको पूरी ही पीछे तक पैनारोमिक सनरूफ देखने को मिल जाती है। अगर यही बात करें तो दोस्तों आपको इसमें एक वैनिटी मिरर ड्राइवर के लिए भी देखने को मिल जाता है, उसी के साथ एक लैंप भी मिलता है। अगर पैसेंजर के लिए बात करें तो वहाँ पर भी आपको एक वैनिटी मिरर और उसी के साथ एक लैंप भी देखने को मिलता है। दोस्तों इस कार में भी आपको ड्राइव मोड्स देखने को मिलते हैं। यहाँ पर आपको ट्रैक्शन ऑन ऑफ करने का बटन देखने को मिल जाता है। उसी के साथ दोस्तों और भी कुछ कंट्रोल्स देखने को मिलते हैं।
दोस्तों इसमें जो आपको आर्मरेस्ट देखने को मिलता है वो आप एडजस्ट कर सकते हो अपने कंफर्ट के हिसाब से। तो चलिए दोस्तों कार को आप पीछे से देख लेते हैं। तो दोस्तों ऐसा दिखता है कार का पीछे वाला डोर, जहाँ पर आपको फिर से बूट एंड फ्रेश देखने को मिलती है क्रोम के साथ। उसी के साथ दोस्तों एक स्टॉप लैंप पीछे भी आपको देखने को मिल जाएगा, जो कि बहुत अच्छा फीचर है। यहाँ पर दोस्तों आपको कुछ स्टोरेज देखने को मिलती है। तो दोस्तों ऐसी दिखती है कार पीछे से कुछ। यहाँ पर दोस्तों आपको पीछे भी दो लैंप देखने को मिल जाएंगे। दोस्तों पीछे से कार कुछ ऐसी दिखती है। पीछे वाली सीट में भी दोस्तों आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं, और फ्रंट वाली सीट में भी आपको एडजस्टेबल हेडरेस्ट देखने को मिलते हैं। यहाँ पर दोस्तों आपको पीछे भी एसी वेंट्स देखने को मिलते हैं, उसी के साथ एक 12 वोल्ट का सॉकेट देखने को मिल जाएगा। और दोस्तों आपको यहाँ पर कुछ ना कुछ रखने के लिए भी थोड़ी जगह मिल जाती है। तो चलिए दोस्तों आपको कार का बूट स्पेस दिखा देता हूँ। अब इसमें दोस्तों आपको काफ़ी अच्छा बूट स्पेस देखने को मिलता है, जो कि 460 लीटर का है। उसी के साथ दोस्तों एक बूट में लैंप भी देखने को मिल जाता है यहाँ पर। अब दोस्तों बात करें इसके स्पेयर व्हील की, तो वो भी आपको 17 इंच का ही देखने को मिलता है। अब चलिए दोस्तों कार का इंजन आपको दिखा देता हूँ। तो ये है दोस्तों कार का इंजन, जो ऐसा दिखता है कुछ। इसमें दोस्तों आपको 1968 सीसी का डीजल इंजन देखने को मिल जाता है, जो कि 174 bhp की पावर और 380 न्यूटन मीटर का टॉर्क जनरेट करता है। इसका दोस्तों जो बोनेट है वो आपको हाइड्रोलिक सिस्टम के साथ देखने को मिल जाता है। इसे कर देते हैं अब बंद। दोस्तों अब बात करते हैं इस कार की डिटेल्स के बारे में, कि ये कार कौन सी मॉडल है, कितनी चली हुई है, इंश्योरेंस वगैरह भैया से बात कर लेते हैं। तो भैया अब हमारे साथ हैं। अब भैया ये कितनी चली हुई है कार? अब 46 चली हुई है, फर्स्ट ओनर है, कंपनी रिकॉर्ड चली हुई है। जो भी मौके पर कम करवा दे जाएंगे, 15.5 लाख रुपए मांग रहे हैं। अगर यहाँ पर जो आपके साथ बैठ कर बात करेगा कुछ ना कुछ कम हो जाएगा, डिस्काउंट करा देंगे। कुछ ना कुछ हो जाएगा। बिल्कुल अच्छी नीट एंड क्लीन कार है, कोई दिक्कत वाली बात नहीं है। दोस्तों फिलहाल ये कार खड़ी हुई है नेशनल कार बाजार पर। यहाँ पर दोस्तों आपको कॉन्टैक्ट नंबर भी देख रहे होंगे, और वैसे भी आपको मैं स्क्रीन पर लगा दूंगा, आप भैया से कॉन्टैक्ट कर सकते हो। अगर आप इस कार में इंटरेस्टेड हो तो इस कार को आप अपना बना सकते हो नेशनल कार बाजार पर आकर। तो चलिए दोस्तों अगर वीडियो अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर लेना, अगर चैनल पर नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। जल्दी फिर मिलेंगे किसी दूसरी वीडियो में। जय हिंद दोस्तों।